हेलो हेलो। सुनो, हाँ जी, आज तो ठीक से बात होगी ना। हाँ जाने, आज बहुत अच्छे से बात होगी। मेरे एग्जाम खत्म हो गए फाइनली। ओ वाह यार, आई बहुत दिन बाद नहीं आपके एग्जाम की वजह से। नो, पता है आपको। सुनो, बोलो ना। आपकी आवाज सुनने को कान तरस गए थे मेरे। उसको मेरी भी तरस गए थे यार। और पता है आपको, बात क्या बोलो। आपकी याद में ना मेरा वेट भी लॉस हो गया। ओह माय गॉड, सच्ची क्या बात है। क्योंकि मेरा फैट तो आपकी वजह से बढ़ रहा था ना। आप रोज इतनी किसेस देते थे, अब किसी देते नहीं, कम कोई हो गई। बात नहीं, दोबारा देकर बढ़ा दूंगी मैं आपका फैट। नहीं वैसे फैट लॉस हो गया तो मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, अब नहीं बढ़ाना। आप स्मार्ट लग रहे हो। नहीं तो मैं आपका फैट बढ़ाऊंगी। अब ये क्या बात हुई? अरे, आप स्मार्ट लग रहे हो, कोई और लड़की आपको लाइन देगी तो। ऐसे तो आप भी क्यूट लगते हो। फिर तो मैं थोड़ी ना किसी की लाइन लेती हूँ, तो मैं कौन सा लूंगा? और मुझे कोई लाइन देता भी नहीं है। ओ रहने दो रहने दो। सच्ची में सब मुझसे डरते हैं। अच्छा, जब कॉलेज में नए नए आए थे, सबसे पहले एक लड़के प्रपोज नहीं किया था आपको? तो प्रपोज तो हर कोई करता है। प्रपोज उसको करने लाइन में देना क्या ही जा कहते रहा है हैं। जाना, मैं तो आप ही की हूँ ना। वो तो हमें पता है, तो फिर और वैसे ही आप हमारे अलावा कहीं और जा ही नहीं सकते। पता नहीं, वो तो मैं नहीं जा सकती, है क्यों? बिकॉज आई लव यू सो 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 मच। नहीं, एक और वजह भी है, क्या हमारे अलावा कोई आपको झेल ही नहीं पाएगा। वो तो बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। वैसे अच्छा सुनो ना। अच्छा सुनो, तो पहले आप बोलो, पहले आप। नहीं वैसे सुनो, आप मेरी ओके बड़े बदतमीज हो गए हो आप। तो सॉरी, पहले आप बोलो बोलो। चलो नहीं, बड़े बदतमीज हो गए आप, क्यों मुझे झेल रहे हैं आप। नहीं, क्या करें, झेलना ही पड़ता है। गर्लफ्रेंड को तो सभी झेलते हैं, तो आप झेल रहे हैं मुझे। मैं नहीं, सभी बॉयफ्रेंड बेचारे झेलते हैं, क्या करें। मुझे सब बॉयफ्रेंडों से मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब अच्छा सुनो ना, सब। लव यू। नहीं झेल रहे हैं ना आप मुझे, पागल, मजाक था। नहीं झेल रहे हैं आप मुझे। अच्छा अरे बाबा, सच्ची मजाक था ना। सुनो, लव यू सो मच। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, अच्छा बोलो। कितना मिस किया? बहुत सारा, अब तो फ्री हो ना, अब तो वेल्ले हो ना एकदम। ठीक एकदम वेली हूँ मैं आपके लिए। है, तो अब रोज कम से कम 20-30 किस चाहिए। और आई लव यू तो सुबह उठते ही, गुड मॉर्निंग में आई लव यू चाहिए, नाश्ते में आई लव यू चाहिए, डिनर में आई लव यू चाहिए, और रात को सोते समय भी आई लव यू चाहिए। लेकिन प्रॉमिस करो कि जब मैं सुबह फोन करूंगी तो आपकी मम्मा फोन नहीं उठाएंगी। ये तो प्रॉमिस कर नहीं सकते हैं, आपको पता है मैं लेट सोता हूँ, लेट देर तक सोता हूँ। तो फिर मैं आपको सुबह, अगर मैं आपको फोन करूँ और आपकी मम्मा ने फोन उठाया, मैंने अगर उनको किस दे दी, फिर तो कोई बात नहीं, मम्मा जैसे मैं उठूंगा, मम्मा मुझे रिटर्न कर देगी। मम्मा ने रिटर्न नहीं की तो मम्मा का फेट बढ़ जाएगा नहीं पड़ेगा बढ़ जाएगा। मम्मा, फेट नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मम्मा फिर आपको सुना भी तो देगी किस दिन एक बार। तो फिर मैं पतली हो जाऊंगी ना और ज्यादा, तो कोई बात नहीं, वैसे लड़कियां पतली अच्छी लगती हैं। तो मैं मोटी हो गई हूँ। और नहीं तो क्या, अभी पता चला है आपको? कितने गंदे हैं आप। आई नो दैट, वैसे पता है मोटी लड़कियां बड़ी क्यूट होती हैं, यही एकदम बात चफलक है। टेडी बियर। हाँ वो तो है, मेरी पुरानी वो गर्लफ्रेंड जो मोटी थी, कितनी क्यूट लगती थी। अच्छा ठीक है, भाई मजाक कर रहा था पागल। नहीं, अब आपको यहाँ पे भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की बात करनी है। अरे नहीं, कुछ वादा मिस नहीं करते हैं आप उसको। मिस करता हूँ लेकिन आपसे कम। जाना, बोलो ना, सच में यू लव मी। मतलब यार अभी भी कोई डाउट है क्या? नहीं, आप ऐसे बार बार बीच में ले आते हो ना पुरानी गर्लफ्रेंड की बात। मैं कल आता हूँ, वो तो अपने शहर में आराम से बैठी है। तो भी थोड़ा बुरा सा लगता है मुझे। नहीं बात है, बुरा क्यों लगता है? क्योंकि अब मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती, आप सिर्फ मेरे हो बस। हाँ तो एक काम करो, आप हमें खा जाओ अच्छी तरह से, ठीक खा जाऊं मैं आपको, है ना?
सच्ची में? मतलब क्या सही में खा जाओगे? हाँ आपने तो, आप नॉन वेज नहीं खाते? तो मैं भी नॉन वेज में मुर्गा ये सब आता है ना, चिकन मटन ये सब आता है। तो मैं भी तो चिकन हो गया एक तरीके का। व्हाट आप चिकन थोड़ी ना हो, आप तो मेरा आइटम हो, यू मीन आइटम? आप मेरा आइटम हो। कौन सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को आइटम कहती है भाई? मतलब मैं सही में, सही पहचाना मैं, वो ही तुम अजीब अजीब हूँ ना, आई अजीब बोला है, तारीफ नहीं की मैंने जो इतने खुश हो रहे हो? नो दैट। अरे आपको नहीं पता ये मेरी तारीफ थी। मतलब रियल नहीं अजीब हो। अच्छा सुनो ना, बोलो। हाँ अब तो एग्जाम हो गए है ना, जी अब तो मिल लेते हैं। हाँ, 5 ना 12 को, 12 बजे आऊँ? 12 को आ जाओ, 12 बजे नहीं आओ? अच्छा सुनो, हाँ जब आऊंगा तो कोई गिफ्ट विफ्ट मत मांगने, या पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। नहीं, मैं तो मांगूंगी, मैं कहूंगी मुझे एक ताजमहल गिफ्ट कर। ताजमहल? वैसे आगरा में मेरे ख्याल से ताजमहल सस्ते मिलते हैं, 50-60 रुपये में मिल जाता है। पागल हो, मैं आपसे मांगूंगी, आप आ जाओ, मेरे लिए वही काफी है। वो तो है, लेकिन फिर भी बहुत लड़कियां होती है ना, मेरा गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट कहाँ है? जाना सुनो, मैं उन जैसी नहीं हूं ना। अच्छा मैं जय, मुझसे क्या कहते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट हूँ। थोड़ी सी ओके। और वैसे आपको क्या लगता है, मैं खाली रहूंगा? नहीं, वो तो मुझे पता है, आप इकलौती की ट्रॉफी तो लेकर ही आओगे मेरे लिए। नहीं, क्लियर से अच्छी मेलोडी होती, मेलोडी लाऊंगा। ओके सुनो ना, इकलौती मेलोडी कुछ भी लेकर आना, लेकिन प्लीज चॉकलेट मत लेकर आना, क्यों? यू नो ना आई हेट चॉकलेट। हाँ बट आज तक समझ में नहीं आया था क्यों, नहीं पसंद क्यों बचपन में दांत टूट गए थे क्या चॉकलेट खाने से, या सड़ तो मेरा, गए थे? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा बाबू, मैं आपको मजाक उड़ा सकता हूँ क्या? हाँ उड़ा सकते हो ना, आप मेरे हस्बैंड हो इसलिए। नहीं, मैं आपको मजाक नहीं उड़ा रहा, बस मैं पूछ रहा हूँ दांत कैसे टूट गए। मैं तो चूहा ले गया था बचपन में, चूहा ले जाता था दांत मेरा। अच्छा दांत चूहे ले जाते हैं, ऐसा भी होता है? रहने दो रहने दो, चूहे आपको तो नहीं इतने छोटे छोटे सिखाया, दांत होते हैं। आपको नहीं सिखाया आपकी मम्मा ने? जब हमारे दांत टूट जाते थे ना, तो मेरी मम्मी कहती थी कि अब चूहा आएगा और इसको ले जाएगा। आपकी मम्मी ना आपको बेवकूफ बनाती थी, कोई चूहा नहीं आता, चूहा इतने बड़े दांत का क्या करेगा? चुप रहो ना मम्मा, ये मम्मा के बारे में कुछ नहीं बोलो। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है, आपकी मम्मी सच बोलती है, लेकिन आपकी मम्मी से तो पूछो, वो सारे दांत इकट्ठे कहाँ करते हैं चूहे? अपने बिल में आपके घर में कभी भी कोई दांत मिला है? नहीं, वो लोग बाहर रहते थे ना, मेरे घर में थोड़ी ना रहते थे चूहे। अच्छा चूहे बाहर रहते थे, उनको के सपने आते थे कि आपका दांत टूट गया, चलो लेने चलते हैं। हाँ, मैं अपने अपने पिलो के नीचे रखती थी और दांत गायब हो जाता था। अरे वो कुछ नहीं, चूहा पिल्लू कैसे हटा लेगा पहले तो ये बताओ। अरे आप नहीं जानते, उन वो ना उनके गणेश जी भगवान है ना, उनके साथ रहते हैं, उनमें बड़ा उनमें बड़ी ताकत है। अच्छा मतलब जाने की, इससे भी एक बात साबित हो रही है क्या? कि आप इतने बड़े आलसी हो, कोई आपके पिल्लों के नीचे से कुछ ले जाए आपको पता ही नहीं पड़ता है। हाँ कितने बदतमीज हो ना, बदतमीज के, कितने बड़े आलसी हो आप, घर कैसे संभालोगे? चुप रहो आप, मैं सब संभाल लूंगी। पता पड़ा जब शादी करके आए, घर की कितनी चाबी निकाली, चोरी कर भाग गया, आप आराम पता से है, सो जाओगे। मैं आपको भी संभाल लूंगी, आपके घर को भी संभाल लूंगी। हम ऐसे संभले हुए हैं ठीक है ना, कहाँ समझे हो, कहाँ ध्यान रखते हो अपना, आप इतना तो ध्यान रखते हैं, और कितना रखेंगे? टाइम पर खाना भी नहीं खाते हो आप, आप खिलाते नहीं हो तो मैं भी दूर हूं ना आपसे, आपको खा लेना चाहिए ना। तो क्यों हो दूर? पता नहीं यार कब आपकी पढ़ाई वढ़ाई खत्म होगी। हो जाएगी, फिर हम शादी कर लेंगे, पता नहीं कब शादी होगी, कब आपकी पढ़ाई खत्म होगी। हो जाएगी जल्दी। अच्छा सुनो ना, हाँ जी ओके, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है, मैं कुछ खा लूं? आपने कुछ नहीं खाया? नहीं ना, मैं सोचा आज बहुत आपका, गंदे हो आप। अरे सुनो ना यार, मैं सोचा आज आपका लास्ट एग्जाम होगा तो पहले बात कर लूं।
जाना, मैं कहीं भाग की थोड़ी ना जा रही थी। फिर भी यार, अच्छा आपका मन नहीं हो रहा था कि पहले बात कर ले? आपने तो नहीं खाया होगा। तो जाना, एक बात सुनो, पहले आपकी भूख ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा है ना, खाना और सोना पहले रखा करो। अच्छा तो आपने खा लिया? नहीं, तो फिर आपने क्यों नहीं खाया? बात करनी थी आपसे। मतलब हमें लेक्चर दे रहे हो और खुद ने खाया नहीं है? अरे तो कोई बात नहीं ना, चलो दोनों खा लेते हैं मिलकर ओ हाँ, बैठकर। दोनों साथ खाते हैं, ये आइडिया अच्छा है। ओके ओके, चलिए ठीक है, हम साथ खा लेते हैं। ओके, लव बाय यू कौन बोलेगा भाई? बाय। बोलो, पहले आप मेरी बुरी बात नहीं सुनते हैं। अच्छा तो बोलिए खुद के। इसमें बाय, लव यू मेरा बच्चा। थोड़ा नमक कम था, मिर्च भी कम थी है ना, हल्दी मेरी भी मिर्च कम नहीं थी, थी, मिर्च नहीं थी मिस्टर। हल्दी भी कम थी है नहीं ना, नहीं जीरा भी कम था है ना, यार, कौन सी सब्जी जिसमें हल्दी डलती है? सब्जी सब्जियों में हल्दी ही डलती है। में हल्दी डलती है? हाँ आपको नहीं पता, मतलब नमक मिर्च डलती है, बस हल्दी भी पड़ती है। पता नहीं हम क्या सब्जी वब्जी तो ही ना बनाते हैं। तो फिर क्यों बोल रहे हैं आप? अच्छा ठीक है ना, वो तो आपका काम है ना, तो आपको बताओगी। वो दिन है, आपका काम है, लड़कों को भी काम आनी चाहिए। मतलब आप चाहते हो हम सब्जी बनाए? क्यों नहीं बनाओगे? कल को बोलोगे रोटी बनाओ, हाँ परसों में बनाना। आया बना दोगे? अच्छा क्यों नहीं बना सकते हो आप मेरे लिए? इतना भी सुनो नहीं कर ना सकते? सुनो ना, आप सिखा देना, बना देंगे आपके लिए। ओके, दोनों मैं प्यार से सिखा दूंगी आपको, दोनों प्यार से बनाया करेंगे। बट रोज नहीं बनाएंगे हम, कभी कभी। ओके सुनो, चलिए बाय। बाय, लव यू मेरा बच्चा। लव यू टू। और सुनो, अपना ध्यान रखना। ओके, और खाना खा लेना, और खाना खा के मुझे कॉल करना। खाना खाने के बाद कॉल भी करना है आपको? नहीं क्यों बेबी? तो आप बता रहे हो ऑब्वियसली यार, खाना खा के आपको कॉल ही करूंगा। नहीं, मैं बोल रही थी आपको। अच्छा ठीक है, आप चलो खाना खा लूँ। ओके, कौन? पता है दो लोग मर गए मेरे पेट में। चुप। चलो ठीक है, कुछ खा लूँ वरना तीसरी खबर आने वाली है। ओके, ओके बाय, बाय, लव यू। लव यू टू। ओके।